हे गाइस न्यूज़ ब्रदर्स, तो खबर बात करते हैं मुनव्वर फारूकी यूके जेडिसन राइडर के बारे में। मुनव्वर फारूकी हाल ही में एक एडवर्टाइजमेंट की थी, एक ब्रांड का प्रमोशन किया था, हालांकि उस पे रील्स भी बनाई थी, ठीक है, लेकिन उसमें रील्स में दो लोगों को ट्रोलिंग कर दिए थे। वहीं पे अंजलि अरोड़ा की भी बात किया जाए तो अंजलि अरोड़ा को भी ट्रोल कर दिए थे, और वहीं पे बात किया जाए यूके जेडिसन राइडर के बारे में तो यूके जेडिसन राइडर को भी ट्रोल कर दिए थे। आपने उस क्लिप को जरूर से देखा होगा, ज्यादा समय नहीं हो रहा है, लेकिन होता क्या है ना कि यूके जेडिसन राइडर का अभी रिप्लाई देखने को मिल चुका है, और यूके जेडिसन राइडर बॉक्सिंग के लिए यहाँ तक कि उनको चैलेंज भी किया है। छोटी सी क्लिप है, सुन सकते हैं। तो यार अभी ना इंटरनेट देख रहा था मैं, एंड ये एल्विश भाई वाला मैटर बहुत बड़ा बन चुका है। अब जो हो गया वो हो गया, बट मेरे को ना ट्विटर पे बहुत सारे लोग मुनव्वर की स्टोरी टैग कर रहे थे, घर पे बैठ करके पॉपकॉर्न खा रहे हैं। भाई स्टेट तेरे को टैग करके स्टोरी डाल रहा हूँ, मुनव्वर अगर पिछवाड़े में दम है ना भाई, तो ये ऑनलाइन गैंगस्टर बनना, ऑनलाइन ट्रॉल करना छोड़ दे। 1v1 बॉक्सिंग फाइट के लिए तेरे को चैलेंज कर रहा हूँ, और अगर एक्चुअल में दम है ना भाई, ये फेक गैंगस्टर फेक ट्रोल इंटरनेट पे बंद कर और वहां मिल, वहां बताता हूँ मैं तेरे को सिस्टम क्या होता है। लेकिन होता क्या है कि यूके जेडिसन राइडर फाइटिंग के लिए अप्रोच कर दिए हैं, अब ये देखना है कि रिप्लाई में वो क्या जवाब देते हैं। जब बात कर रहे हैं यूके जेडिसन राइडर के बारे में तो बात करते हैं अचानक भयानक के बारे में। अचानक भयानक यानी कि अरुणमा शेट्टी के बारे में। अरुणमा शेट्टी कहीं श्रीलंका में गए हुए होते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि श्रीलंका में जाने के दौरान वो बात कर लेते हैं अनुराग के बारे में, यानी कि अनुराग दोवाल यूके जेडिसन राइडर के बारे में, और वहां पे उनके ट्रोलिंग बहुत ही तगड़े लेवल से कर देते हैं। छोटी सी क्लिप है, सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, राम राम नमस्ते आदाब। तो भाई लंका लगा तू बोल के दुनिया के बाहर लंका लगा तू बोला, लेकिन आज पहली बार लंका को आ गए, श्रीलंका को। एक बिजनेस का मीटिंग था प्लस एक शूट था, तो सब खत्म कर लेके आए भाई। गाड़ियाँ तो अच्छे बड़े है भाई। अनुराग तो भाई खतरनाक तरीके से रोस्टिंग मार दी है। वहीं पे बात करते हैं एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव होता है क्या है कि कल के दिन एक वीडियो छोटी सी क्लिप अपलोड करते हैं, और उसमें बोलते हैं कि हर आदमी दोगला है, ईच एंड एवरीबॉडी इज दोगला, और इसमें मेंशन क्या कहते हैं ना, इसे आप रीड कर सकते हैं। और वहीं पे बात करते हैं मुनव्वर फारूकी के बारे में। तो मुनव्वर फारूकी कल के दिन एक पोस्ट करते हैं, उसमें बिल्कुल भी हार्ट बनाया हुआ होता है, और वहीं पे लिखते हैं एल्विश यादव अगर आप खोट निकालने की बैठोगे तो बहुत सारी खोट निकल जाएगी, तो प्यार से काम करो और आगे बढ़ो। इस बार में एल्विश यादव ने कहा है, जो कि इस बार में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। वर्चुअल बात करते हैं अपने चैनल के बारे में। देखिए इस वक्त चैनल हमारा नया है, लेकिन वीडियो के रीच के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लिया कीजिए। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। वर्चुअल बात करते हैं मनोज दे के बारे में। मनोज दे से कई सारे उनके फैंस जो होते हैं उनके घर तक पहुंच जाते हैं, और होता क्या है कि मनोज दे जब घर पे नहीं होते फिर भी वो वीडियो बनाने लगते हैं, यहाँ तक कि उनके घरों में घुस जाते हैं। तो उनपे क्या कुछ कहते हैं ना, ये इसे आप रीड कर सकते हो। हालांकि उन्होंने कई सारे ऐसे मैसेजेस कर दिए हैं, उन लोगों को बता दिए हैं कि आप हमारे घर पे मत आया करो, आओ तो फोटो खिंचा लूंगा लेकिन वीडियोस नहीं बनवाऊंगा। हालांकि कई सारे लोग पहले से मोबाइल चालू करके उनके घरों में घुस जाते हैं जिनके यहाँ फैमिली मेंबर, हालांकि ये चीजें नहीं करनी चाहिए। उनके बारे में कुछ चीजें कहते हैं, छोटे से क्लिप पे सुन सकते हैं। तो दोस्तों अभी जितना भी पिछला आप लोगों ने स्टोरी देखा ना, वो स्टोरी डाला था मैंने इस वाले बंदे को लेकर के। ये बंदा आया था कुछ दिन पहले मेरे घर के सामने, ठीक है, और आ करके वो पैदल यात्रा करता है तिरंगा लेकर के। तो उससे पहला तो मेरा ये सवाल है कि तिरंगा लेकर अगर वो पैदल यात्रा कर रहा है, भारत भ्रमण कर रहा है, तो उससे देश का क्या फायदा हो रहा है? पहला सवाल, देश का कुछ तो फायदा नहीं है, वो तो अपना फायदा के लिए वो कर रहा है, देश का नाम से तिरंगा के नाम से व्यूज लेना, मोनेटाइज करके पैसा कमाना। अगर आपको उतना ही देशभक्ति है तब ओलंपिक में जाओ, मेडल वगैरह ले आओ, तो देश का नाम होगा। पहला चीज, उससे देश का कोई भला नहीं हो रहा, आप अपना भला कर रहे हो। सेकंड नंबर, वो घर पर आए हैं, मैंने उनको बुलाया नहीं है। एक तो मैंने 1.5 साल पहले वीडियो बनाकर तो मना कर रखा कि आप मेरे घर पर मत आओ, तो मैंने आपको जब बुलाया नहीं, इन्वाइट किया नहीं, फिर भी आप आए। अब आए हो तो मैं आपके वीडियो में ऐसे भी नहीं आता, अगर मैं रहता अभी, अगर आपसे मिलता अभी तो भी मैं आपके वीडियो को नहीं आता, क्योंकि मैंने 1.5 साल पहले ही बोल रखा है कि कोई अगर वीडियो बनाने के मकसद से आओगे तो मत आना, क्योंकि मैं वीडियो में नहीं आऊंगा, मैं आपके साथ फोटो लूंगा। तो वीडियो में ऐसे भी नहीं आता, अगर मैं आपसे मिलता अभी, अगर रहता अभी, एक्चुअली मैं घर पे था ही नहीं, जो कि ये एक रियलिटी है। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं करण कुंद्रा के बारे में। और करण कुंद्रा का हाल ही में एक कार खरीद जो बड़ी महंगी कार रहती है, लेकिन होता क्या है ना कि हाल ही के दिनों में वो कार तो देखने को मिलती है, लेकिन कुछ ही समय के बाद यानी कि 102 दिनों के बाद वो कार गायब हो जाती है। और इस पे वो क्या कहते हैं ना, एक बार जरूर से सुन सकते। Guys, जिसने भी मजाक किया ना, इट्स नॉट फनी यार, कम ऑन, इफ यू आर अ फ्रेंड, आई मीन इट्स माय न्यू कार, आई मीन जो भी है पुरानी कार है, बट फिर भी यार इट्स नॉट फनी, प्लीज। ये कुछ टाइम नहीं है प्रैंक करने का, मैंने ढंग से चलाई भी नहीं थी। अभी अभी परवेज आया नहीं, इज लाइक कि भाई कार गायब है, उसमें कोई सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं है, कोई ट्रैकिंग भी नहीं है, कैमराज नहीं है, गेट इट, बट वेयर इज माय कार, प्लीज यार डोंट डू दिस। तो बिल्कुल भी
मजाक वाली बात किए हैं, हो सकता है चोरी हो गई हो जिसके कारण से उन्होंने ये बातें बताई हैं, तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं आशीष चंचलानी के बारे में, और आशीष चंचलानी कल के दिन काफी सारे लोगों को बिरयानी बांटी है, लेकिन उस चीज को उन्होंने इंस्टा पे शेयर किया हुआ था, लेकिन कई सारे लोगों ने इस चीज को देखते हुए उन्हें कमेंट करने लगे कि भाई आपने हमें नहीं खिलाया बिरयानी। उस चीज को रिप्लाई करते हुए क्या कहते हैं जरूर से सुन सकते हैं। भाई लोग माफ कर दो, मुझे बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई मुझे बिरयानी नहीं खिलाई, मुझे बिरयानी नहीं खिलाई। नेक्स्ट टाइम मैं उल्लासनगर में भी बांटूंगा, अरहान और मैं दोनों बांटेंगे, मजा आएगा। क्या बोलते भाई लोग, करे उल्लासनगर, कल्याण, डोंबिवली बहुत जगह है जहाँ पे बिरयानी बांट सकते हैं। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये काफी सारे लोग ये भी बोलने लगे कि भाई आप आगे होकर ऐसे कुछ बातें बताने लग गए हो यार, जो भी अलग तरीके से प्रेजेंट हो रही है। उस पे भी और कई सारी वीडियोस बनाते हैं, क्या कहते हैं ना सुन सकते हैं। सारी जिंदगी अपने इस बदन को ढका है अपना मोटापा छुपाने के लिए, दो स्टोरियां नंगी क्या डाल दी तुम लोग से सहन नहीं हो रहा। भाई खतरनाक तरीके से उन्होंने रिप्लाई देने की कोशिश किया है, तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं रशीद दिलावर के बारे में, और पेशे से वो बाउंसर है कि वहाँ पे मनोज वाजपेयी आए हुए होते हैं, लेकिन वहाँ पे कई सारे फैंस जो उनके थे जो बहुत ही ज्यादा करीब होने लगे थे, और वहीं पे एक बाउंसर उठा के एक शख्स को साइड में कर देता है। लेकिन होता है ना कि वहाँ पे कैप्शन लिखते हुए बोलते हैं कि सौरभ जोशी को उठाकर फेंक दिया, तो छोटी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सर जेलर देखिए आपने खतरनाक तरीके से भाई ने उनसे साइड कर दिया है। तो कई सारे लोग का कमेंट सेक्शन में अपने अपने कैप्शन देखने को मिले, तो कमेंट में जरूर से देख सकते हैं कुछ इस तरीके की रिप्लाई देखने को मिली है, तो हो सकता है आगे चलकर सौरभ जोशी का रिप्लाई भी देखने को मिल सकता है। तो इस बारे में आप सभी का क्या सोचना है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपने चैनल के बारे में। देखिए कई सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।